वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्विक रिवीजन सेशन ऑन बजट 2022-23 में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोगों ने देखा। सो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज गो एंड सी द वीडियोस। आज का सेशन फॉर दिस ईयर बजट की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे आने वाले समय में, और दिस बजट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें ग्रेटर इम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है कि 7.5 लाख करोड़ दैट ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एक वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ को सेटअप करेगा। साथ ही साथ आजादी के अमृत काल का एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह भी है। आजादी के अमृत काल जो कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की वो 25 साल के बीच में एक एम्पावर्ड इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया की कल्पना करता है जो कि चार इंपॉर्टेंट पिलर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट द पीएम गति शक्ति, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। सेकंड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और तमाम सारे बातें करेंगे। थर्ड कॉम्पोनेंट इज प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेटिक चेंज दैट इज कॉल्ड द क्लीन एनर्जी, और इसकी बातें करेंगे। एंड फोर्थ कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड दैट इन्वेस्टमेंट और द फाइनेंस। तो इन सब चीजों को देखने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, और आज की क्लास कुछ मैथमेटिक्स बेस्ड भी होगी क्योंकि बजट में रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन सबको समझने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को जब भी आप पढ़ें तो उसको तुरंत एक सिनॉप्सिस की तरह तैयार कर लें, बिकॉज एग्जाम हॉल और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। बजट या इकोनॉमिक सर्वे से पीएचडी या थीसिस नहीं करना है, बिकॉज इस तरह की कभी भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कि आपको इसमें काफी सारी लेक्चर्स देने हैं। आपके पास एक फायर फाइटर बैकअप होना चाहिए जिसके थ्रू एमसीक्यू सॉल्व कर सके, या फिर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से डील कर सके। तो This session would definitely going to help you. So let us start. तो बजट के इस डिस्कशन में सबसे फर्स्ट पिलर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज द मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कि दिस ईयर बजट इन सब चीजों के बारे में क्या क्या बोलता है। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ होगा उसी पे फोकस करेंगे, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं रखना है। ठीक है, एक चीज और कि जब भी आप ट्रू एस्पिरेंट की तरह सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करें सो यू मस्ट बी फोकस्ड एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। आसपास क्या हो रहा है ज्यादा घबराना नहीं है, राइट। सो अप्रोच कैसा होना चाहिए कि एक दैट इज कॉल्ड द वेरी हिट मूवी दैट इज कॉल्ड पुष्पा का एक डायलॉग है ना कि पुष्पा भाई रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन एंड टेक कि मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में बजट क्या प्रोविजंस है। फर्स्ट इट इज मनी। सो मनी में द सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी अप्रैल 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज गोइंग टू लॉन्च दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी। इस में बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनके पोटेंशियल को टैप करने का एक तरीका है। साथ ही साथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपने करेंसी छापने में जो इसके पब्लिक सेक्टर यूनिट है वहां पर काफी खर्च करना पड़ता है। सो डिजिटल फॉर्मेट होने के चलते जब होगा तो इसे इस एक्सपेंडिचर के लॉस को भी बचाया जा सकता है, साथ ही साथ दैट क्विक इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होने के चलते दैट इज बेस्ड ऑन पब्लिक लेजर सिस्टम। व्हाट इज दिस लेजर सिस्टम कि एवरी ट्रांजैक्शंस दैट वुड बी रिकॉर्डेड उसका रिकॉर्ड रहेगा जिससे ट्रांसपेरेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी, इन सब चीजों से निपटा जा सकता है। सो अप्रैल 2023 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिंग दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी। सेकेंड दैट इज द कोई भी इनकम थ्रू लेट्स से क्रिप्टो, बिटकॉइन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के थ्रू कोई भी इनकम है किसी पर्सन का तो उसमें कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, यानी 30% टैक्स लगेगा और 1% ऑफ टीडीएस लगेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि एनी इनकम फ्रॉम द वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक द क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, उस पे कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, 30% और 1% टीडीएस लगेगा। थर्ड पॉइंट कि पोस्ट ऑफिस, द सेविंग बैंक्स,
ठीक है, कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वहां पर कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू दी बैंकिंग फैसिलिटीज को इफिशियंटली एक्सेस किया जाता है, बट जो पोस्ट ऑफिस बैंक्स सेविंग अकाउंट्स होते थे वहां पर कोर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होने के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग सर्विसेज को काफी इफिशियंटली मैनेज नहीं किया जा सका था। सो इस साल के बजट में ये प्रोविजन है कि द पोस्ट ऑफिस बैंक्स वुड आल्सो बी ब्रॉट अंडर द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सिस्टम्स, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसके चलते बैंकिंग फैसिलिटी को इफिशियंटली एक्सपैंड किया जा सकता है, स्मूदन किया जा सकता है। नेक्स्ट दैट इज ऑफ यू टॉक अबाउट द शेयर मार्केट, द शेयर मार्केट के दिस ईयर बजट में क्या टारगेट है कि 7.5 लाख करोड़ ऑन कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो 7.5 लाख करोड़ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज्यादा बूस्टअप होगा, जिसके चलते कॉन्फिडेंस मार्केट जनरेट होगा मार्केट में और शेयर प्राइसेस ग्रो करेगा, इसका मतलब द शेयर मार्केट राइज करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मनी बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में कि दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। साथ ही साथ दी बिजनेस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे नेसेसरी अमेंडमेंट किया जाएगा और दी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इन सब चीजों को डील करने के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है कि मान लो कोई डिफॉल्टर या इंसॉल्वेंट है, उसका कोई दैट एसेट लेट्स से फॉरेन कंट्री में है, लेट्स से इंग्लैंड यूरोप, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस एसेट्स को एक्वायर कर सकता है वहां से। तो इस तरह के प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में और इसको ज्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा। सो ये चार पांच पॉइंट्स याद रखेंगे फ्रॉम दिस सेक्टर, दैट इज डिजिटल करेंसी, दैट 30% टैक्सेशन ऑन दैट दी वर्चुअल एसेट्स जो भी इनकम हुआ आपका, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स वुड ब्रॉट अंडर दी कोर बैंकिंग सिस्टम्स, देन द शेयर प्राइसेस शेयर मार्केट विल ग्रो बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वुड बी amended accordingly to bring the provisions such as the cross-border insolvency, etc. अब next topic let's say जो बात करता है that is the taxation. तो अब हम लोग देखते हैं कि the second pillar that is the taxation, और taxation को समझने के लिए हम लोग एक concept यहाँ पर share करेंगे that is called government financing या public financing. तो public financing, government financing के तीन component होते हैं कि सरकार के income के क्या-क्या sources होते हैं, सरकार का एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है और सरकार की बोरोविंग्स जैसे डोमेस्टिक सोर्सेस या इंटरनेशनल फंडिंग के थ्रू किस तरह से दैट इज द लोन्स। तो थ्री कंपोनेंट्स, द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड लोन्स। तो एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं कि इनकम, सरकार की जो आमदनी या कमाई कहाँ से होता है, दैट इज द इनकम साइड दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। द रेवेन्यू रिसिप्ट क्लासिफाइड इनटू टैक्स और नॉन टैक्सेस, और टैक्स को फिर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से आते हैं, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रिजम्प्टिव टैक्स। फिर प्रिजम्प्टिव टैक्स को क्लासिफाई करते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एएमटी, फ्रीज बेनिफिट टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, इकोनॉमी में आप लोग पढ़े ही होंगे, बट दिस इनकम टैक्स किसी पर्सन के इनकम पे लगता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ अर्लियर मॉडल क्या था, जब अरुण जेटली के टाइम में क्या होते थे कि जो ग्रॉस इनकम पे कुछ डिडक्शंस होते थे लाइक म्यूचुअल फंड सेविंग्स में जो हम लोग इन्वेस्ट करते थे, और उसके बाद जो इनकम होता था दैट इज द टैक्सेबल इनकम्स। बट निर्मला सीतारमन व्हेन शी बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें रिफॉर्म्स किए गए इन टैक्सेबल इनकम में और उसको ज्यादा कैलिब्रेट किया गया। दोनों ही ऑप्शन है, दैट इज की डिडक्शन वाला भी आप ले सकते हो और एक जो अभी जो ऑप्शनल सिस्टम चलता है उसके थ्रू भी आप टैक्स पे कर सकते हो। सो दैट इज द इनकम टैक्स, और इन दिस ईयर बजट कोई भी उस पर चेंजेस नहीं किया गया। वेल्थ टैक्स की मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या वेल्थ पे जो टैक्स लगता है। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब कंपनीज पे, स्टार्टअप्स पे जो पैसे द टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। द प्रिजम्प्टिव टैक्स, इसमें कॉपरेटिव सोसाइटीज में एएमटी लगता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की मतलब कोई कंपनीज अपने प्रॉफिट अकाउंट्स को जीरो दिखाती थी तो उस पर एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाता है। कैश विड्रॉल टैक्स, लेट्स से कभी कभी एटीएम से पैसे निकालने में या फिर कभी कुछ पैसे कटते हैं दैट इज कॉल्ड कैश विड्रॉल टैक्स।
सिमिलरली सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के मतलब शेयर के ट्रेडिंग्स में, इक्विटी के ट्रेडिंग्स में पैसे लगते हैं, दैट इज टैक्स, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन, दैट इज कमोडिटी मार्केट में भी जो ट्रेडिंग होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस पर टैक्सेस दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सो दीज आर द डायरेक्ट टैक्स के ये सोर्सेस हैं। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पे, कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे, द सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड नाउ द जीएसटी। जीएसटी में एक्साइज और कस्टम्स को सब्ज्यूम किया गया, बट कुछ कुछ चीजों में एक्साइज और कस्टम अभी भी लगता है, राइट ना। ये टैक्सेबल इनकम्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ नॉन टैक्स इनकम भी होती है, नॉन टैक्स रिसीप्ट, लाइक दी, इसको एक लिस्ट आप याद रखेंगे, फीस, पेनल्टी, स्ट्रीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, ग्रांट्स एंड प्रॉफिट्स। ग्रांट स्लिप से जो मिलता है प्रॉफिट्स, किसको ऐसे समझिए कि लेट से जब हम लोग कोई कुरियर करते हैं या फिर लेट से कोई पार्सल भेजते हैं, तो कुछ उस पर IGST लगता है, और जो पार्सल का कुरियर प्राइस है लेट से 30 रुपीज दैट हमको पे करना पड़ा, और उस पर 5 रुपीज कोई जीएसटी लगा, तो जीएसटी तो चला गया इनडायरेक्ट टैक्स में, और 30 रुपीज उस डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट हो गया फॉर दिस सर्विस, लेट से रेलवे के थ्रू, लेट से कोई कुरियर सर्विसेस है, तो जो डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट है सर्विस के लिए, वो इसका क्या होगा, नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्स रिसिप्ट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट्स। तो फीस, पेनल्टी, स्ट्रीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, इसके थ्रू भी कोई डिपार्टमेंट पैसे कमाती, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट होते। लेट से कोई गवर्नमेंट मैगजीन्स, कोई रेलवे अपना लेट से कोई रेलवे का एटलस जारी करके, या फिर कोई ट्रेन या फिर कोई मैगजीन इस तरह का जारी करके भी पैसे अर्न करती है, उसको हम लोग नॉन टैक्स रिसिप्ट में रखते हैं, राइट। एक और साइड होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक द इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, डोमेस्टिक बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, कैपिटल गेन्स, रेमिटेंसेस। आप एक लिस्ट याद रखना कि MCQ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट्स से कि दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बोरोविंग्स, इट कम्स अंडर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट आस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इनकम साइड ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, कि इतने सोर्सेस से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। सो लेट्स सी द एक्सपेंडिचर साइड, द एक्सपेंडिचर साइड के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसेट क्रिएशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, लेट्स से दैट इंटरेस्ट पेड ऑन दैट लोन्स टेकन, जो लोन लिया हुआ रहता है उस पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ग्रांट्स देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 275, द फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स को डिवॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना। द सब्सिडी, फूड, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, जैसे अभी दैट इज कॉल्ड द PLI स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च रन कर रही है, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, सो PLI स्कीम के थ्रू भी जो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ डिजास्टर फंड में पैसे देने पड़ते हैं, सो दिस कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। उसी तरह से एसेट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड डेवलपमेंट में, बिल्डिंग्स बनाने में, उन सब चीजों में जो पैसे खर्चे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो प्लांड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लांड एक्सपेंडिचर में किया जाता था, जो कि 2017 और 18 बजट ऑनवर्ड इसको एबॉलिश कर दिया गया, कि प्लांड एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ द 5-year प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक्सपेंडिचर होता था, दैट इज कॉल्ड प्लांड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर्स बेसिकली जो मेंटेनेंस और कंजम्पशन पर्पस में जो खर्च करने पड़ते थे, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, जिसमें प्राइमरली इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक द सैलरी, पेंशंस, सो पेंशंस में आप यहाँ पर याद रख लेंगे, दैट इज कॉल्ड NPS सिस्टम, ठीक है। NPS सिस्टम क्या है, जो पेंशन स्कीम्स के लिए जो पेंशन सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ द OSS रिपोर्ट, दिस NPS सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2004, 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये एक्सपेंडिचर का एक ब्लूप्रिंट है कि सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। साथ ही साथ द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग में थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड लोन्स, और सरकार गवर्नमेंट बोरोविंग्स कैसे करती है। तो सो द गवर्नमेंट कैन बोरो लोन्स, दोनों ही सोर्सेस होंगे, डोमेस्टिक और फॉरेन। द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, साथ ही साथ लेट से ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब द सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, ट्रेजरी बिल्स इशू करके,
दैट गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके, ठीक है, सोवरेन बॉन्ड इशू करके भी पैसे रेज किया जाता है. सो द लोन्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों ही तरीके से गवर्नमेंट पैसे दैट बोरो करती है. तो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर और बोरोविंग्स की बात करता है ना. अब हम लोग देखते हैं कि बजट में क्या क्या प्रोविजंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटास और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो अभी गवर्नमेंट फाइनेंसिंग देखा, अब हम लोग देखते हैं कि ये बजट दिखता कैसा है. तो बजट में दो हेडिंग्स होती है, पहला कि द रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. रेवेन्यू में रिसीट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट फिर टैक्स और नॉन टैक्सेस, टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सिमिलरली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल अकाउंट के भी दो पार्ट होंगे, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. सो ये बजट का फॉर्मेट है. सो कुछ द डेटा और कुछ एस्टिमेट्स हम लोग देखते हैं कि जो हेल्प करेगा कि समझने के लिए कुछ टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स में कि ये डेफिसिट क्या है. और गवर्नमेंट ने जो इस साल का अनाउंसमेंट है कि दैट इज 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, तो वो काफी दैट अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है, ऐसे ब्ला 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 स्टेटमेंट्स जो आती है. सो बिकॉज द डेविल्स ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स. तो हम लोग देखते हैं कुछ फिगर्स के साथ कि जो रियलिस्टिक में क्या एक्चुअली है. अब हम लोग देखते हैं कि दिस ईयर बजट की क्या क्या अनुमानित और क्या क्या एस्टिमेट्स हैं रेवेन्यू के, इनकम्स के और क्या क्या एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट है. तो बजट 2022-23 में जो जीडीपी का साइज है, द साइज ऑफ द जीडीपी वो अनुमानित कितना है, 258 लाख करोड़. ठीक है, जीडीपी का साइज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 258 लाख करोड़. उसमें से बजट के दो पार्ट्स हैं, एक रेवेन्यू दैट इज इनकम साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, तो इनकम में हमारे पास रिसिप्ट होंगे, तो कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ऑलरेडी जो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग का चार्ट आप लोग याद रखेंगे. तो क्या एस्टिमेटेड है कि जो टैक्स सोर्सेस हैं, टैक्स में दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, तो जीएसटी से 7.8 लाख करोड़. ठीक है, जीएसटी से 7.8 लाख करोड़. द कॉर्पोरेशन टैक्स 7.2 लाख करोड़. द इनकम टैक्स 7.0 मतलब 7 लाख करोड़. एक्साइज दे 3 लाख करोड़ एंड कस्टम्स 2 लाख करोड़. ये अनुमानित है कि इतने हमारे इनकम्स होंगे, रिसिप्ट होंगे. द जीएसटी 7.8 लाख करोड़, द कॉर्पोरेशन 7.2, इनकम 7, एक्साइज 3 एंड कस्टम्स. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच रिसिप्ट द मैक्सिमम दैट अर्निंग और मैक्सिमम रिसिप्ट वुड बी अर्न. तो जीएसटी सबसे ज्यादा होगा, कॉर्पोरेशन 7.2 है. नाउ नॉन टैक्स सो रिसिप्ट जो है दैट इज 2.7 लाख करोड़. ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट कितना अर्न होगा, दैट इज 2.7 लाख करोड़. और कैपिटल रिसिप्ट में, द कैपिटल रिसिप्ट एक डेट है, डेट का मतलब द डोमेस्टिक्स और द फॉरेन. तो जो मार्केट है लाइक आरबीआई दैट ट्रेजरी बिल्स के थ्रू या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्नमेंट कितना रेज करेगी डोमेस्टिक सोर्सेस से, 16 लाख करोड़. ठीक है, गवर्नमेंट कितना रेज करेगी, 16 लाख करोड़, दिस इज द एस्टिमेट. फॉरेन सोर्सेस से दैट इज 19,000 करोड़. ठीक है, दैट इज 19,000 करोड़, फॉरेन सोर्सेस से 19,000 करोड़. और डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड से कितना, 65,000 करोड़. कितना, 65,000 करोड़. सो पहले कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किए जाते थे, लेट्स से कि 2.1 लाख करोड़, फिर 1.75 लाख करोड़. तो इस बार गवर्नमेंट थोड़ा पॉपुलिज्म से हटके और थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट दैट इज 65,000 करोड़ डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड से लाना चाहती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है कि ये रिसिप्ट के कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज है, आप इनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी इसका यूज होगा. सिमिलरली एक्सपेंडिचर साइड को भी देख लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एस्टिमेटेड कितना है, दैट इज 31 लाख करोड़. दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 31 लाख करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़. द कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़. सो ये कुछ कुछ डेटाज हैं, इनके कैलकुलेशंस में अभी हम लोग यूज करेंगे. सो अपने बजट स्पीच में अनाउंसमेंट की जो काफी पॉम्पस की 7.5 लाख करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इससे इकोनॉमी काफी बूस्ट होगी और तरह तरह के पॉम्पस स्टेटमेंट. अब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझ रहे हैं कि एक्चुअली में रियल फिगर्स क्या क्या है. ठीक है, सो रेवेन्यू के कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स हैं. व्हाट इज द बजट साइज, 200, जीडीपी का साइज कितना होगा, 258 लाख करोड़.
सब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। फर्स्ट वी विल सी द रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? द रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जिसमें कि जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम्स को ऐड करेंगे, तो ये कितना आता है? 27 लाख करोड़। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन द 41%, ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 41% कहां पर दिया जाएगा? इट विल बी डिवॉल्व टू द स्टेट्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 41% स्टेट्स को डिवॉल्व किया जाएगा, और ये वैल्यू 8 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन 27 लाख करोड़ का 41% कैलकुलेट करोगे तो 28 लाख करोड़ नहीं होता, इससे ज्यादा होगा, ये अराउंड 29% ही है। तो ऐसा क्यों? कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें सेस प्लस सरचार्ज, इन दोनों को भी ऐड किया जाता है। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में दैट इज कॉल्ड द टैक्स रेवेन्यू प्लस सेस और सरचार्ज भी होता है, और सेस और सरचार्ज स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए ये वैल्यू एक्चुअल फिगर से डिफर करती है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसमें से 41% स्टेट्स को डिवॉल्व कर दिया जाएगा, दैट इज 8 लाख करोड़। उसके बाद फिर द डिजास्टर फंड में, डिजास्टर फंड इसमें 6000 करोड़ इतना पैसा दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 लाख करोड़ ये बच जाता है। सो दिस 19 लाख करोड़ इज कॉल्ड नेट टैक्स रेवेन्यू, दैट इज योर NTR, ठीक है। 19 लाख करोड़ इज व्हाट? नेट टैक्स रेवेन्यू, जो कि सरकार के पास खर्च करने के लिए होती है। तो NTR इज 19 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इज 27 लाख करोड़। तो यहां पर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। सो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नॉट टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होगा? टैक्स, दैट इज 27, और जीडीपी का एस्टिमेटेड साइज कितना? दैट 258 लाख करोड़। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये रफली अराउंड आएगा, दैट इज 10.7%, ठीक है। द टैक्स टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेटेड कितना है? 10.7%। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो भी प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का कितना इन्वेस्टमेंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए? दैट इज 20% होना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया के केस में कई सालों से ये 10% के आसपास ही स्टिक है, दैट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इज 27 लाख करोड़, नेट टैक्स रेवेन्यू जो माइनस करने के बाद बचा था वो कितना था? 19 लाख करोड़, ठीक है। सो फ्रॉम द नेट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रिसीट्स कितना एस्टिमेट था? 2.7 लाख करोड़। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फिगर जो आता है दैट इज 22 लाख करोड़, और ये द टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। द टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितना है? 22 लाख करोड़, ठीक है। सो रेवेन्यू साइड में रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितना आ गया? 22 लाख करोड़। टैक्स टोटल, सो टोटल दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना आया था? 27 लाख करोड़। उसमें से स्टेट्स को 8 लाख करोड़ दे दिया, 6000 डिजास्टर फंड में दे दिए, तो कुछ बच गया, दैट इज 19 लाख करोड़, दैट इज नेट टैक्स रेवेन्यू। और उसमें दैट इज नॉन टैक्स सोर्सेस से जो रिसिप्ट है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज 22 लाख करोड़। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेटेड है? दैट इज 31 लाख करोड़। सो 31 लाख करोड़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उसको भी देख लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31 लाख करोड़, द टोटल इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइक द लोन्स में कुछ जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसमें अराउंड 9 लाख करोड़ का खर्च होगा। देन ग्रांट्स में 3 लाख करोड़, ग्रांट्स मतलब दैट इज 41% के अलावा कुछ लोकल बॉडीज डिजास्टर फंड्स को दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द 3 लाख करोड़ के आसपास। एंड सब्सिडी 3.56 लाख करोड़, सब्सिडी को रेशनलाइज करने की बात की जा रही है, इसको कम भी किया गया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा सब्सिडी का शेयर किसमें जाता है? दैट इज इन फूड, दैट इज फूड सब्सिडी, देन सेकेंड इज द फर्टिलाइजर, थर्ड इज द पेट्रोलियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी PLI स्कीम्स को रन कर रही है कि जो आत्मनिर्भरता लाने के लिए,
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो पीएलआई स्कीम्स बेसिकली है क्या कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना और उसके ग्रोथ के प्रोग्रेस के बेसिस पे उसको सब्सिडी दिया जाए कि वो इंसेंटिवाइज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, दैट इज कॉल्ड पीएलआई स्कीम्स। तो पीएलआई स्कीम्स में भी सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल रेवेन्यू, इसके अलावा भी जो रेवेन्यू टोटल ऐड करेंगे सो ये 31 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो दोनों के बीच में जो डेफिसिट है वो 9 लाख करोड़, दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, दैट इज 9 लाख करोड़। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सो दैट इज 9 by GDP से 258 into 100, दिस इज रफली अराउंड 3.8% ऑफ GDP। सो व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट कितना एस्टिमेटेड है, 3.8% ऑफ द GDP, इसको आप ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। ये रेवेन्यू डेफिसिट में जब हम लोग द ग्रांट्स को माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बनता है। सो ERD इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू RD माइनस G ग्रांट्स। सो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 9 लाख करोड़। ग्रांट्स में याद करो फिगर कितना था, 3 लाख करोड़। सो अराउंड 6 लाख करोड़ ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का एस्टिमेट है। सो ये सारे टर्मिनोलॉजीज है, ये डेफिसिट वो डेफिसिट, ठीक है। जब ये ज्यादा बढ़ने लगेगा तो गवर्नमेंट फिर कोई एक नई डेफिसिट ले आएगी और उसको दिखा के इस तरह से डेटा मैनिपुलेट किया जाता है। पॉइंट इज कि जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना है। सो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि एक नई दैट इज कॉल्ड द कैपिटल साइड में, कि कैपिटल साइड में क्या स्टेटस है। सो नाउ लुक एट द फिगर्स फ्रॉम द कैपिटल साइड। द कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल रिसीप्ट, उसमें डेट के जो मार्केट से बोरोइंग कितना किया जाएगा, 16 लाख करोड़। और द सेकंड कंपोनेंट फॉरेन से बोरोइंग कितना किया जाएगा, लेट्स से IMF वर्ल्ड बैंक से 19,000 करोड़। 16 लाख करोड़ दैट इज मार्केट बोरोइंग मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज से, 19,000 करोड़ फॉरेन सोर्सेज से बोरो किया जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट कितने, 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ तो एक रफली अप्रोक्सीमेटली 17 लाख करोड़ द कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट को आएगा। द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितना है, 7.5 लाख करोड़। ठीक है, इसी फिगर की बात हमेशा बजट पे की जाती है। तो 7.5 लाख करोड़ दोनों में जब हम लोग निकालेंगे डिफरेंसेस तो लगभग सरप्लस ऑफ द 9 लाख करोड़ के आसपास आता है। ठीक है, तो सारे फिगर्स को ऐड करो आप, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट और इधर कैपिटल सरप्लस, तो ये रफली जीरो आ जाएगा क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 9 लाख करोड़, और ये सरप्लस है दैट इज प्लस, तो मोर ऑर लेस ये जीरो के आसपास आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े वादे, इतने जो बोलती है कि ये होगा वो होगा, तो क्या वो झूठे हैं क्या? नो, गवर्नमेंट इस चीज को पहले भी जानती थी। और बजट डेफिसिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट ये जीरो होना, इसके दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। पहला कि RBI को कोई नई करेंसी या फ्रेश मनी छापना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि जब भी बजट डेफिसिट नॉट इक्वल टू जीरो होगा सो दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए न्यू करेंसी प्रिंट करके मार्केट में लाती है, दिस इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग हॉट मनी। तो बजट डेफिसिट जीरो है, नाउ दैट इंडिया जो वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट फिर एक नए टाइप के डेफिनेशन लेके आएगी जिसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू होता है बजट डेफिसिट प्लस द मार्केट और बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो हम लोग देखते हैं द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बजट डेफिसिट प्लस द बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट। तो फिस्कल डेफिसिट दैट इज जीरो और बोरोइंग्स कितना था, 16 लाख करोड़। तो 16 लाख करोड़ इज द फिस्कल डेफिसिट। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 16 upon 258 into 100, तो ये 6.4% ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसीलिए द फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट रखा गया है, कितना है, 6.4% ऑफ द GDP। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट 3.8% ऑफ GDP, फिस्कल डेफिसिट दैट इज 6.4% ऑफ द GDP, और एक डेफिसिट होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, द PD, दिस इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन्स। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, 16 लाख करोड़, और इंटरेस्ट पेड कितना था, 9 लाख करोड़, याद करो फिगर्स मैंने बताया था। सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। तो गवर्नमेंट इस तरह के न्यू टर्म्स डिफाइन करती है
कि आपका सिलेबस भी बढ़े और नए नए कॉन्सेप्ट आप सीखते रहें, ठीक है? तो उससे घबराना नहीं है। तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन है कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उससे डरना नहीं है, ठीक है? एक और टर्म यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर? सो गवर्नमेंट बेसिकली जब एक्सपेंडिचर हो तो अपने डेटा को जनरली ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है, और जब कभी भी डेफिसिट हो या फिर कभी तो उसको कम दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है? कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ जिसमें अनाउंस किया गया है, साथ ही साथ 3.5 लाख करोड़ लेट्स से और ग्रांट्स के फॉर्मेट में, और एक साथ 1 लाख करोड़ टू द स्टेट जिसमें 50 ईयर्स तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा, इस तरह के एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। सो दिस की मोर देन 10 लाख करोड़ वुड बी ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है? तो जो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा उससे बहुत घबराने की बात नहीं है, ये आपको आना चाहिए इतना, क्योंकि ये बेटर इंसाइट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर्स को आप ध्यान रखेंगे कि जीडीपी का एस्टिमेटेड साइज कितना है, 258 लाख करोड़, द रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज द 3.8% ऑफ द जीडीपी, देन फिस्कल डेफिसिट दैट इज 6.4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है? और द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सारे फिगर्स को हम लोगों ने डेटा के साथ समझा, तो ये आपको इजी प्रोवाइड करेगा जब डेटा के साथ आप खेलेंगे। इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो मोर 10.7% ऑफ द जीडीपी है, बट ये एस्टिमेटेड जो कैलकुलेटेड इकोनॉमिक सर्वे बोलता है उससे कम है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द सेकेंड पिलर, दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन। आपको इतने होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि दिस ईयर बजट इस डॉक्यूमेंट में फोर जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, दैट इज कॉल्ड पीएम गतिशक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, सेकेंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, फिफ्थ जो फाइनेंसिंग की बात करेगा। तो इसके बारे में जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग एक सिनॉप्सिस की तरह देखते हैं कि क्या है वो पॉइंट्स और क्या क्या स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एक तरह से स्कीम्स को तैयार करने का भी एक अच्छा टूल है, सो ज्यादा घबराना नहीं है, उसी को पढ़ना है। सो लेट्स सी कि अंडर द पीएम गतिशक्ति किस तरह की बात की गई है। सो नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट पिलर, दैट इज कॉल्ड द पीएम गतिशक्ति, कि जो सेपरेट मिनिस्ट्री वाइज जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी चलाए जाते थे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भी चलते थे, उसको एक अम्ब्रेला अप्रोच के थ्रू एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में काम करा जाएगा, जिससे कि बेस्ट तरीके से काम हो और चीजें अच्छे तरीके से हो। तो पीएम गतिशक्ति बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने का, डेवलप करने का एक यूनिफाइड अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे उसको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू करा जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिस्टिक इफिशियंसी आए और ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके, ईज ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो मेन फोकस एरिया पीएम गतिशक्ति का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें मेन चीज क्या है कि द नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान ये इंजिन प्रोवाइड करेगा टू दिस पीएम गतिशक्ति, और पीएम गतिशक्ति अमृत काल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन है उसको द फ्यूल प्रोवाइड करेगा और उसको बेस प्रोवाइड करेगा। नेशनल मास्टर प्लान बेसिकली ड्रिवन बाय द सेवन इंजिन्स। द सेवन इंजिन्स क्या है? दैट सेवन इंजिन्स में रोड, रेलवे, एयरवे, दैट इज कॉल्ड एयरपोर्ट्स। तो इन सब चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज को सेवन इंजिन्स बोला गया है, जो इस पूरे मॉडल को ड्राइव करेगा। पीएम गतिशक्ति या नेशनल मास्टर प्लान बेसिकली दो चीजों पे फोकस करेगा प्राइमरीली, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी, ठीक है? तो दो इंपॉर्टेंट एरिया। और इस साल का बजट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी अलाइन किया जाएगा पीएम गति की शक्ति के साथ, और कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इनिशिएटिव्स ले जाएंगे, लाइक रेलवे और पोस्ट ऑफिस के बीच में इंटीग्रेशन लाना, ठीक है? साथ ही साथ द मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक नंबर, दैट इज कॉल्ड यूलिप नंबर, को जारी किया जाएगा, जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इंटीग्रेट किया जा सके। मल्टी मॉडल पार्क्स, फोर प्लेसेस पे BBB मोड पे मल्टी मॉडल पार्क्स बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को और बूस्टअप करने के लिए। मल्टी मॉडल पार्क BBB मोड है क्योंकि जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स लाइक अडानी, अंबानी, बिरला का भी इन्वेस्ट कराया जाएगा, सरकार सारे खर्च नहीं करेगी, राइट? सो दिस इज द पीएम गतिशक्ति। सेकंड कि रोड ट्रांसपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि दिस 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेट्स से
किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे कोई लोकल जो इंडस्ट्री है, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा. सो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, इट विल बूस्ट द लोकल इंपॉर्टेंस, लोकल बिजनेस और लोकल एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करेगा. कवच रेलवे के सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए दिस कवच स्कीम इज देयर. 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल बी स्टार्टेड एंड द कार्गो टर्मिनल्स भी ज्यादा से ज्यादा चलाए जाएंगे. साथ ही साथ पर्वतमाला स्कीम, जो कि हिली एरियाज है, जो हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए पर्वतमाला स्कीम, दैट इज कॉल्ड रोपवे स्कीम, को लॉन्च किया जाएगा और ये ट्रिपल पी मोड पे किया जाएगा. इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स का इंक्लूड किया गया है. कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन देगा, और ये जितने अवेयरनेस प्रोग्राम, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, इन सब चीजों में काम करेगा. सो पीएम गति शक्ति, इट इज द फर्स्ट पिलर दैट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, जिसमें नेशनल मास्टर प्लान के थ्रू एक फ्यूल और इंजन की तरह काम किया जाएगा. इसमें कनेक्टिविटी एनहांसमेंट पे फोकस है, लॉजिस्टिक इफिशियंसी पे फोकस है, मल्टी मॉडल इफिशियंसी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे फोकस है, रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा दैट एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के थ्रू चीजें की जाएंगी, ताकि अच्छे से और अच्छे तरीके से काम किया जा सके. नाउ लेट्स टेक द सेकंड द पिलर, दैट इज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सो द पिलर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब टॉपिक इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में द रबी एंड खरीफ क्रॉप के प्रोक्योरमेंट के लिए 2.37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. ठीक है, और रबी एंड खरीफ क्रॉप 2.37 लाख करोड़. ठीक, बजट किसान ड्रोन्स या ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस किए हुए हैं. सो द किसान ड्रोन ये क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉप असेसमेंट, द फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग और इंसेक्टिसाइड स्प्रेडिंग, इन सब चीजों के लिए ड्रोन्स का यूज किया जाएगा. इसे टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री बूस्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट किया जा सकता है. तो किसान ड्रोन इट इज इनिशिएटिव, डिजिटल सर्विसेस और द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी किसान तक प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रिपल पी मोड पे, दैट इसको किसान तक पहुंचाया जाएगा, फार्मर्स तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिससे कि उसमें एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल, इस तरह की चीजें डेवलप की जा सकती है. बजट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स को लेते हुए, दैट नेचुरल फार्मिंग, बैडिक फार्मिंग, केमिकल फ्री दैट इज फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगी. इसके लिए कुछ इनिशियल कॉर्पस भी एलोकेट किया गया है. गंगा नदी के जो 5 किलोमीटर एरिया तट है, उस पर इनिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा और धीरे धीरे इसको स्प्रेड अप किया जाएगा. नेचुरल फार्मिंग का ये एडवांटेज भी है कि जो रिवर पॉल्यूशन से कुछ एक्सटेंट तक भी इसको रोका जा सकता है, गंगा रिवर पॉल्यूट होने से भी रोका जा सकता है. ठीक है, नाउ एक फंड, ब्लेंडेड फंड दैट इज कॉल्ड नबार्ड फंड, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उसको भी तैयार करने की बात कही गई है. साथ ही साथ बजट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एलोकेट करेगी, उसको इंसेंटिवाइज करेगी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस अदर इंडस्ट्री को सर्वाइव करती है, उसको प्रमोट करती है. ऑयल सीड्स दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, डोमेस्टिक ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में. दैट और 2023 दैट इज 2023 इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द मिलेट्स है, सो देयर बाय ज्यादा मिलेट की प्रोडक्शन पे फोकस्ड है, और इस द एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन सारे इनिशिएटिव्स को लिया जाएगा अंडर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है, सो आफ्टर एग्रीकल्चर जो सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एमएसएमई सेक्टर. तो बजट में क्या क्या प्रोविजन है उसको भी हम लोग अब देखते हैं. सो एमएसएमई सेक्टर दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर्स में, उसके लिए क्या क्या बजट में प्रोविजन है, दैट इज फर्स्ट कि कुछ जो पोर्टल्स हैं, दैट इज कॉल्ड लेट्स से दैट ई श्रम पोर्टल, उद्यम पोर्टल, द एनसीएस पोर्टल और असीम पोर्टल, इन सबको इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड पोर्टल किया जाएगा, जिससे कि ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इसको एक उसको बूस्टअप किया जा सकता है, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है. तो इसमें से जो पोर्टल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स से ई श्रम पोर्टल, उद्यम पोर्टल. उद्यम पोर्टल बेसिकली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए था. ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए है. दिस इज एनसीएस, जो कि पढ़े लिखे बेरोजगार हो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज के लिए एनसीएस पोर्टल है. असीम पोर्टल ये कोरोना पीरियड में लॉन्च किया गया था कि द माइग्रेंट्स जो अपने रीजनल एरिया, लोकल एरिया पे आए, तो उनका जो स्किल सेटअप या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए ये असीम पोर्टल लाया गया था.
तो इन चारों पोर्टल्स को मिला के एक यूनिफाइड पोर्टल बनाने की बात की गई है, जिससे कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट किया जा सकता है और ईच ऑफ द टीम बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। ई सी एल जी एस स्कीम मतलब एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से ऑब्जेक्टिव क्या है कि दैट एमएसएमई सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बट एमएसएमई सेक्टर के साथ जो फंडिंग का इश्यू होता है कि आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन दिस सेक्टर इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सो सेकेंड थिंग कि जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म्स, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे तो अभी इंडिया में नहीं है। सो लास्ट ईयर जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आईएलएफएस क्राइसिस जो एनबीएफसी जो एमएसएमई सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करती है वो नहीं होने के चलते एमएसएमई सेक्टर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ द चैलेंजेस। सो बजट में ये प्रोविजन है कि एमएसएमई सेक्टर्स को लोन्स दिया जाए और यदि कोई एमएसएमई सेक्टर लोन वापस करने में डिफॉल्ट होती है तो उसका जो लॉस है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, और इस तरह से ये प्रोविजन है दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से कि एमएसएमई सेक्टर्स को फिर से रिवाइव किया जाए, रिवैम्प किया जाए। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि सिडबी के साथ एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया जाएगा। रैंप स्कीम्स क्या है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स का परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसको असेस करने के लिए रैंप स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक दैट एमएसएमई के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है। फर्स्ट इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पोर्टल्स, उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है, देन द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट एंड रैंप स्कीम उसके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। एग्रीकल्चर में एक जो इरिगेशन एस्पेक्ट है, इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया गया है। इसमें सो इरिगेशन में क्या क्या चीजें हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, सो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 44,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके मल्टीफेसेटेड बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इट इज कि ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सेकंड इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, थर्ड हाइड्रल पावर जनरेट किया जाएगा, सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं मतलब सोलर पावर जनरेट किया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज किया जा सकता है। लाइक हैदराबाद गवर्नमेंट अभी एक फ्लोटिंग सोलर पैनल का कंसेप्ट लाया है कि जिससे दैट रिवर्स पे पैनल्स को एस्टैब्लिश करके उससे सोलर पावर जनरेट किया जाएगा। सो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के ये मल्टीफेसेटेड बेनिफिट्स हैं। कुछ डीपीआर्स हैं लाइक नर्मदा तापी और लेट से गोदावरी कृष्णा कृष्णा पिन्नार और कावेरी, इन रिवर के लिए भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स अभी फाइनलाइज होने हैं और इस साथ आगे भी करे जाएंगे। तो जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से पोटेंशियल फ्रेम होता है कि रिवर्स की ओरिजिन और उसके ट्राइबरी और कौन कौन से एरियाज में, मतलब मैपिंग एस्पेक्ट को भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। सो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो थोड़ा स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि बजट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। सो पहला द पीएम ई विद्या को लॉन्च किया जाएगा कि कोविड-19 के पीरियड में स्कूल्स बंद रहने के चलते जो बच्चों को एकेडमिक लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट पीएम ई विद्या लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पर क्लास पर टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। लाइक द क्लास 1 का एक टीवी चैनल होगा, क्लास 2 का एक टीवी चैनल होगा, क्लास 3 का एक सेपरेट टीवी चैनल होगा, उसमें रीजनल लैंग्वेज में क्लासेस होंगी, पढ़ाई किया जाएगा जिससे कि जो एकेडमिक लॉस है उसको कुछ एक्सटेंट तक कंपेंसेट किया जाए, उसको टिक किया जाए। सो दिस इज द पीएम ई विद्या यूनिवर्सल एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज द डिजिटल यूनिवर्सिटी। व्हाट इज दिस डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड होगा। हब एंड स्पोक, ये हब एंड स्पोक क्या है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में हाई क्वालिटी कंटेंट डेवलप किया जाएगा कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर हैं दे विल डेवलप द कंटेंट, वो रीजनल लैंग्वेजेज में भी उनको बनाया जाएगा और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे उसको रखा जाएगा जो रिपोजिटरी जो कि हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड होगा। हब एंड स्पोक मॉडल की जो इसका कोर होगा वो लाइक द एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पावर्ड होगा, टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पोक्स पे जो एक्सपर्ट्स होंगे इमिनेंट पर्सन होंगे वो कहीं से भी कंटेंट डेवलप करके उस सिस्टम पे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे उसको
स्टोर कर सकते हैं, रिजर्व उसको रिपोजिटरी की तरह यूज किया जाएगा और कोई भी घर से वो ऑनलाइन कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकता है और अपने को अच्छा स्किल बना सकता है। तो दिस इज द डिजिटल यूनिवर्सिटी और इसमें हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड होगा, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड देश स्टेट ई पोर्टल। गवर्नमेंट को पोर्टल लॉन्च करने का बड़ा दैट इज कॉल्ड बड़ा शौक रहता है और इसके थ्रू दैट बहुत सारे पोर्टल्स डेवलप करते रहती है। इसी तरह से देश स्टेट ई पोर्टल एक नया द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके थ्रू ऐसा देखा गया कि ड्यूरिंग दिस COVID-19 के ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो लोगों ने काफी इनोवेटिव आइडियाज डेवलप किए, घर बैठे ही कुछ कुछ चीज लोग सीखते थे, लाइक दैट हेयर कटिंग करना और इस तरह से इनोवेटिव आइडिया, लाइक कुछ लोग वीडियो बनाना भी सीख गए, ठीक है। तो उन तरह के लोगों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपने इनोवेटिव टैलेंट डेवलप किया है उसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए सरकार ने दैट इज देश स्टेट ई पोर्टल स्टार्ट किया है। तो मतलब गवर्नमेंट इस तरह की चीजें भी करती है, आपके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखती है, आपके टैलेंट का भी ध्यान रखती है, राइट। सो देश स्टेट ई पोर्टल दैट इज ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए कि जो भी एक्स्ट्रा टैलेंट और न्यू टैलेंट आपने डेवलप किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है कि एक द नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री बनाना है जिसमें कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स दैट इज हेल्थ सीकर्स के एक लिस्ट होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट से जो भी आप पहले दैट बीपी रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, ये सारी चीजें हाथ में लेके घूमते थे, उसको डिजिटल अप करना है, क्या वो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको गूगल ड्राइव पे स्टोर करना है और आप कहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दैट डॉक्टर्स के भी प्रेस्क्रिप्शन होंगे, डॉक्टर प्रोवाइडर्स का भी नाम वगैरह होगा और इसे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकेगा। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मतलब एक नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री होगा जिसमें कि सारी चीजें होंगी और दैट डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कराया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या किया गया है कि जो स्कीम्स है लाइक शक्ति, वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है उसको फिर से इंटीग्रेट करके ज्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। तो दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या, दैट मिशन शक्ति, वात्सल्य, दैट इज सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। द नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। सो सक्षम आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है कि सक्षम आंगनबाड़ी एक दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आंगनबाड़ी जिसमें कि टेक्नोलॉजी इंपावर्ड होगा, उनको मोबाइल चलाना सिखाया जाएगा जिससे कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सके, उस तरह के कॉन्सेप्ट को सक्षम आंगनबाड़ी कहा गया है, ठीक है। दैट पोषण 2.0 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ना, शक्ति एंड वात्सल्य जो कि मिनिस्ट्री के ऑलरेडी रनिंग प्रोग्राम्स थे। तो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में इसका उल्लेख किया, सो बोला गया कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। नाउ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये क्या है कि कोरोना के पीरियड में जब लॉकडाउन का टाइम में मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम लोगों ने काफी फेस किया, सरकार ने उसको भी रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए एक टेली मेंटल दिस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी स्टार्ट करेगा सरकार, जिसमें कि आपको काउंसलिंग की जाएगी किस तरह, हाउ टू रिलीव फ्रॉम द योर स्ट्रेस और इस तरह के काम की जाएगी। तो स्किल डेवलपमेंट में ये सारे इनिशिएटिव्स होंगे, ये सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, पीएम ई विद्या है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, देश स्टेक की पोर्टल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वुमेन एम्पावरमेंट और दैट इज कॉल्ड टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। सो स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे काम किए गए और इसलिए घबराने का नहीं, द फ्यूचर सिक्योर है, जो भी आप टैलेंट है उसको आप प्रमोट करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में और क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोविजन है, लाइक हर घर नल से जल इसमें और एलोकेट किया जाएगा, जल जीवन मिशन जिसके थ्रू दी टैप वाटर हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, सो हर घर नल जीवन इस प्रोग्राम को और प्रमोट किया जाएगा, इस पे एक्स्ट्रा एलोकेशन और ज्यादा एलोकेशन किया गया है। हाउसिंग सेक्टर्स में दैट पीएम आवास योजना, दैट पीएम आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ बात करेगी कि जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस हो वो ज्यादा इजियर हो, स्मूथ हो और वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग बनाना है वो प्रोसेस को ज्यादा एक्सपीडाइट किया जा सके। सो इन हाउसिंग में पीएम आवास योजना, ठीक है। पीएम डिवाइन ये नया स्कीम है, पीएम डिवाइन बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डेवलपमेंटल को लाने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च किया जाएगा। पीएम डिवाइन स्कीम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साथ ही साथ सोशल कैपिटल डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करेगा, ठीक है। मतलब बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे भी फोकस करेगा। इसमें
जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल ये पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेगी, देखभाल करेगी। सो पीएम डिवाइन, फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंटल है, प्रोजेक्ट है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग ने लॉन्च किया था, जिसके थ्रू काफी स्टेट्स ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस में आगे बढ़े। सो कुछ उसमें से ब्लॉक्स जो लैगिंग बिहाइंड इन द प्रोसेस, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के स्पिरिट में ही एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम को भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ऐसी बात कही गई है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम क्या है कि जो इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, लेट से दैट जम्मू कश्मीर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का एरिया है, तो वहां पर मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से वो विलेजेस पीछे रह गए, वहां पर कनेक्टिविटी का इशू है, लेट से तो उन सब चीजों को गैप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम को लॉन्च किया जाएगा कि इसमें कनेक्टिविटी, साथ ही साथ लेट से दूरदर्शन फैसिलिटी जिसके थ्रू जो दैट इज कॉल्ड एकेडमिक प्रोग्राम्स वगैरह को वहां पर चलाया जा सकता है, तो इस तरह की इनिशिएटिव्स लाई जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट विलेज कि मेन स्ट्रीमिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द विलेज नियर अबाउट द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। सो वाइब्रेंट विलेज को लॉन्च किया जाएगा, राइट। एनी टाइम एनी वेयर पोस्ट ऑफिस सर्विस, इसकी बात ऑलरेडी कर चुके कि पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड किया जाएगा, वहां पर जो बैंकिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम उनको लाया जाएगा लाइक द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग फैसिलिटी को और दैट ज्यादा दूर तक पहुंचाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, सरकार डिजिटल पेमेंट के नाम पे हमेशा खुश हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसे नया करने का हमेशा तजुर्बा रहता है, उनका करने का मन रहता है। तो डिजिटल बैंकिंग में क्या है कि अभी एट द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सो द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करेगी, जिससे कि और बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि ताकि वो बैंकिंग फैसिलिटी और बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। डिजिटल पेमेंट्स में दैट लाइक मोर एंड मोर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि COVID-19 के पीरियड में इसको काफी बूस्टअप मिला है, इस सिस्टम को काफी दैट प्रमोट किया गया है। डिजिटल पेमेंट के नाम पे गवर्नमेंट को दैट इज कॉल्ड स्कूल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंक्लूड करना चाहिए ताकि जो स्किल मिसमैच है बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट उसको कम किया जा सके। ठीक है, आई होप द फाइनेंस मिनिस्टर विल डू इन द नेक्स्ट बजट एज वेल। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ये सारे काम और ये सारे इनिशिएटिव्स करे जाएंगे और ये सारे प्रोग्राम्स का इनिशिएट किया गया। अब हम लोग थर्ड पिलर की बात करते हैं, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज एंड सनराइज सेक्टर्स, द क्लाइमेटिक चेंज एंड क्लीन मोबिलिटी की बात की गई है। तो बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एंड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। द फर्स्ट ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ द लिविंग, इसको और अच्छे से रोल आउट किया जाएगा। ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस मीन्स द मोदी गवर्नमेंट दैट इज इन वन दैट एनडीए वन टेन्योर, हमेशा से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रिंसिपल पे इनका इंफोसाइज रहा है कि प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जो अननेसेसरी लॉज हो उनको डिलीट या फिर उनको रिपील किया जाए। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि अभी तक 1486 लॉज को रिपील किया गया है और प्रोसेस रिफॉर्म्स किए गए हैं, साथ ही साथ ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक काफी ग्रो हुआ है। तो ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस 2.0 को और अच्छे से किया जाएगा, साथ ही साथ आजादी के अमृत काल में ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे फोकस रहेगा। ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या है कि जिसमें कि जो ज्यादा मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरफेस को ग्रो किया जाएगा, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को और अच्छा किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, इस तरह से तमाम बातें की जाएंगी कि ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट किया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ द लिविंग को ग्रो कराना, राइट। सेकंड इज द परिवेश पोर्टल, व्हाट इज दिस परिवेश पोर्टल, कि ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए ये सिंगल विंडो पोर्टल की तरह काम करेगा। परिवेश पोर्टल 2018 में लॉन्च किया गया था और कोई भी न्यू प्रोजेक्ट या स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट लेने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज से उनको परमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते थे, टाइम लगता था। तो उसको ईज आउट करने के लिए परिवेश पोर्टल एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह होगी, जहां से सारे परमिशन एक ही बार में ग्रांट किया जाएगा।
तो इसको भी और अच्छे से रोल आउट किया जाएगा 2022-23 में, ठीक है। नाउ थर्ड इज द ई पासपोर्ट 2022-23 में इसको लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये पासपोर्ट होगा, जिसमें कि एम्बेडेड चिप्स होंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से ये चाकी इनेबल्ड होगा, जिससे कि ओवरसीज जो ट्रैवलिंग है उसको इजी किया जा सकता है, इफिशियंट बनाया जा सकता है और उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई पासपोर्ट, ठीक है। नाउ अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्शन में काफी पॉइंट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट पे काफी फोकस है। दैट विजन डॉक्यूमेंट से कि इंडिया एट द ईयर ऑफ 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 50% ऑफ द पॉपुलेशन कहां लाई करेगी, द सिटीज पे, अर्बन एरियाज पे। तो 50% जब पॉपुलेशन अर्बन एरिया पे स्टे करेगी तो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का लिंच पिन क्या होगा, सिटी। तो अभी का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सिटी पे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो इनसफिशियंट है, उस पर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और प्रोसेस रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इस पे काफी फोकस किया गया है। तो अर्बन डेवलपमेंट के काफी पिलर्स हैं, लाइक कि इसमें मास ट्रांजिट सिस्टम को ग्रो कराया जाएगा और बिजनेस इकोसिस्टम के सामने ही मास ट्रांजिट सिस्टम, जिससे कि इजी एंड इफिशियंट कनेक्टिविटी ग्रो किया जा सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को प्रमोट करना है, ताकि जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वो कैसा हो, दैट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंटल मॉडल हो। इसके लिए एक दैट इज कॉल्ड द टाउन प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड टीपीएस, टाउन प्लानिंग सिस्टम को कराया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस बनाए जाएंगे जो कि टाउन प्लानिंग के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज करेंगे कि किस तरह से मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। एक हाई लेवल का टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी कि किस तरह से इस मॉडल को रोल आउट करा जाए। तो अर्बन डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट पाइवोटल पिलर, इनका काफी क्रिटिकल फोकस एरिया है। इसमें मास ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम को ग्रो कराना है, ठीक है। मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैसा होगा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग सिस्टम्स और बिल्डिंग्स कैसे होंगे, बायलॉज कि जो डिजास्टर रेजिलियंट हो, ठीक है, डिजास्टर से प्रोन हो, तो उस तरह के बिल्डिंग्स का जो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग्स बायलॉज को बनाए जाएंगे। साथ ही साथ एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि एकेडमिक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट होंगे और वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फर्दर स्टडीज के लिए फाइव इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस का स्टेटस दिया जाएगा और हर एक इंस्टीट्यूट को 250 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा कि इस डायरेक्शन में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके और जो नेसेसरी स्टडीज हो उसको भी बूस्टअप किया जा सके, ठीक है। दिस इज द अर्बन डेवलपमेंटल मॉडल, इसमें इतने सारे काम किए जाएंगे। द फिफ्थ पॉइंट दैट इज कॉल्ड क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। व्हाट इज दिस क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड जो सिस्टम है जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं होगा, ठीक है, पेट्रोलियम्स यूज नहीं होंगे, डीजल्स नहीं होंगे, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी और क्लीन मोबिलिटी में बात की गई है। इसके लिए क्या काम किया जाएगा, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स बनाए जाएंगे। स्पेशल मोबिलिटी जोन्स का एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी व्हीकल फॉसिल फ्यूल से रन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ठीक है। सो उस तरह का सिस्टम स्पेशल मोबिलिटी जोन कहलाता है कि देयर इज फ्री फ्रॉम दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल बर्निंग। ना बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ये क्या है कि गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को काफी विगरसली लॉन्च करने वाली है, इसके लिए एक प्रॉब्लम होगा इन द अर्बन टाउनशिप कि स्पेस का इशू होगा, क्योंकि जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वहां पर दैट कंजेशन हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन होगा, उसको मैनेज करने के लिए साथ ही साथ इस मॉडल में प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए भी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाया गया है जो कि ट्रिपल पे बेस्ड होगा। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, दे कम आउट विद द इनोवेटिव आइडियाज कि इस तरह के प्रॉब्लम जो कि बैटरी चार्जिंग स्टेशंस पे ट्रैफिक कंजेशंस हो उसको कितना इनोवेटिवली और इफिशियंटली उसको डील किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से एक दैट नेटवर्किंग अप्रोच भी है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, राइट। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स, दैट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। After that, the land records and management के लिए भी कुछ कुछ provisions हैं कि land record basically क्यों जरूरी है। किसी भी model of development के लिए, development process के लिए land resource का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। So land basically state subject, तो state government basically उसे permission लेना पड़ता है central government को, like the PM आवास योजना है, जितने भी let's say the ग्राम सड़क योजना है, इसके लिए central government को state government से permission लेना पड़ता है। तो
लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को और अच्छा बनाया जा सके, और इस पे एक फोकस्ड है दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके थ्रू किसी भी डीड्स या किसी भी डॉक्यूमेंट्स जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हो उसको किसी भी जगह से रजिस्टर किया जा सकता है और एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डेवलप करना। तो इसमें क्या क्या काम किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेगी, यूनियन गवर्नमेंट विल टॉक विद द स्टेट गवर्नमेंट कि एक आईटी बेस्ड यूनिफाइड लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको अडॉप्ट करें। इसमें क्या होगा कि किसी भी जो लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ट्रांसलिटरेशन कराया जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज यूएलपिन नंबर, ठीक है, यूनिफाइड द लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेगी और इस सिस्टम को अडॉप्ट करना। ये क्या है बेसिकली, दैट टेक्नोलॉजी इंपावर्ड सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड आईटी बेस्ड सिस्टम है, इसमें लैंड रिकॉर्ड्स होगा, और इस सिस्टम को फर्दर NGDRS सिस्टम के साथ क्लब करेगा, लिंक करना है। ये बेसिकली वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करना है कि कोई भी लैंड पार्सल कोई भी डीड्स या डॉक्यूमेंट्स उसका डिटेल्स एक नेशनल रिपोजिटरी की तरह यहां पर मिलेगा, जिससे कि पूरे लैंड रिसोर्सेज को इफिशियंटली मैनेज किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज पे काम किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन नेसेसरी जो अमेंडमेंट है इस पे किया जाएगा कि जो भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का इशू हो, जो पहले बात कर चुके हैं कि यदि किसी फॉरेन कंट्री में किसी एसेट है इंसॉल्वेंट का डिफॉल्टर्स का, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्वायर कर सकती है कि नहीं, इस डायरेक्शन में भी काम किया जाएगा। तो पॉइंट क्या याद रखना है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे नेसेसरी अमेंडमेंट किया जाएगा इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। नाउ ये सी पेस ये न्यू इनिशिएटिव्स है कि कोई भी कॉर्पोरेट्स लेट्स से वाइंड अप करना है, तो इनिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, लगभग 2 ईयर्स का टाइम लग जाता था। तो सी पेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के थ्रू 6 मंथ में ही वॉलेंटरी वाइंड अप कराया जा सकेगा, ठीक है। सो ये कॉर्पोरेट्स को इजिली एग्जिट करने के लिए ये काफी दैट इज कॉल्ड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, इट विल ईज आउट द प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग द कॉर्पोरेट फ्रॉम थ्रू बाइंडिंग ऑफ देयर द बिजनेस। नाउ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इस डायरेक्शन में क्या नेसेसरी इंपॉर्ट, ईज ऑफ द डिग बिजनेस को और ग्रो कराने के लिए कोई भी रनिंग प्रोजेक्ट्स है उसका जो 70% ऑफ बिल, 70% ऑफ द बिल विद इन द 10 डेज उसको पेमेंट करेगी सरकार, ठीक है। जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट्स करती है, काम करती है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उनका एग्रीमेंट होता है, तो पेमेंट का डिफॉल्ट होता है कभी कभी, तो जिसके चलते भी थोड़ा ट्रस्ट विद गवर्नेंस को दैट इज कॉल्ड कभी कभी इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट इस पर नेसेसरी डायरेक्शन लाएगी कि जो बिल्स है उसका 70% 10 डेज के विद इन ही उनको पेमेंट मिल जाए। साथ ही साथ जो भी हाईवे प्रोजेक्ट्स होते थे या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता था वो बेसिकली गवर्नमेंट गारंटीज के बेसिस पे काम करते थे, तो इस पर इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटर है IRDAI, मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी सियोरिटी बॉन्ड इशू करेगी, तो सियोरिटी बॉन्ड कौन इशू करेगा, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। सियोरिटी बॉन्ड क्या होता था कि जो काम है जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से पूरा करना है और उसको तरीके से पूरा करना है, इसके लिए बॉन्ड साइन करना पड़ता था। तो ये सियोरिटी बॉन्ड IRDAI दैट इज कॉल्ड जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो दैट इशू करेगी और एक तरह से ट्रस्ट जनरेट करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं अंडर द थर्ड पिलर। नाउ जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में क्या काम किए जाएंगे, डिजिटल इंडिया भारत गवर्नमेंट का एक इंफेसाइज्ड एरिया है। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में पहला चीज 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया जाएगा। इसके लिए जो स्पेक्ट्रम एलोकेशंस है, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस वो 22-23 में किया जाएगा, ठीक है। देन साथ ही साथ भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने लोकल बॉडीज हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करना था। तो ये काम पहले भी करना था, लेकिन अब टारगेट सेट किया गया कि 2025 तक जितने भी विलेज पंचायत हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाए कि वो जो बैंकिंग फैसिलिटी, जो G2G सर्विसेज, B2C सर्विसेज, दैट इज G2C सर्विसेज, इसको एक्सेस कराया जा सके, ठीक है। दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू सिटीजन, इन सर्विस को डिलीवरी को भी लास्ट लाइन ऑफ रेसिपिएंट तक पहुंचाया जा सके। इसमें PPP का मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट करना है कि जो अडानी अंबानी बिल्डर है वो भी इन्वेस्ट करे और इसको प्रमोट करे, रिलायंस इंडस्ट्री इस पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। तो द भारत नेट प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करना, यूनिवर्सल
दैट इज कॉल्ड USOF फंड। एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें कि 5% ऑफ दी जो एनुअल कलेक्शन है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा, जिसके थ्रू जो सस्ती मोबाइल फैसिलिटी और सस्ता नेटवर्क लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो और सस्ता मोबाइल नेटवर्क होने वाला है, राइट। सो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में ये नेसेसरी रिफॉर्म्स है द 5G टेक्नोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक ट्रिपल पी मोड में और ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, और यूएसओ फंड जिसमें कि 5% ऑफ द एनुअल कलेक्शंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना है कि जिससे और सस्ती नेट प्रोवाइड कराया जा सके। इसमें एवीजीसी सेक्टर्स को भी इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा कि जो एनिमेशन है, दैट जो विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक है, उन सेक्टर्स को भी बूस्टअप किया जाए कि ताकि इसमें यूथ का जो पोटेंशियल है उसको टैप किया जा सके। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एरियाज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो घबराने का नहीं, द फ्यूचर सिक्योर है। दैट इज कॉल्ड गेमिंग, वीडियो गेमिंग, जो भी आपके पास टैलेंट है आप उसको नर्चर करें, गवर्नमेंट इसके लिए दैट आपको प्रमोट कर रही है, इंसेंटिवाइज करेगी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सनराइज सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की जो ह्यूज पोटेंशियल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, उसमें से जो सनराइज सेक्टर्स एक प्लेटफॉर्म है, गेटवे है, जिसके थ्रू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को टैप करना है, और इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज गवर्नमेंट ने अभी सनराइज सेक्टर्स की तरह आइडेंटिफाई किया है, उनके नाम याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सनराइज सेक्टर पहला पॉइंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि जो उसके पोटेंशियल्स हैं उसको टैप करने के लिए द सनराइज सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। तो कौन कौन से एरियाज हैं इसके लिए, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है याद रखने के लिए कि दैट इज कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है, कैग एस, इसको याद रखिएगा। सी, दैट इज कॉल्ड क्लीन मोबिलिटी, क्लीन मोबिलिटी। ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जी से थ्री है, पहला जीएसडी, जियोस्पेटियल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स, देन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जी फॉर दी जियोस्पेटियल सिस्टम एंड ड्रोन, ग्रीन एनर्जी, एंड जी फॉर जीनोमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, जीनोमिक्स एंड फार्मा। एस से सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, और एस फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। सो सनराइज सेक्टर्स में कौन कौन से हैं, इन सारे सेक्टर्स को आप याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये ट्रिक्स है कैग एस, इससे आप याद रख सकते हो। तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है, तो इसको टैप करने के लिए, इसके पोटेंशियल को और अच्छे से यूज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, गवर्नमेंट ने एक सेपरेट सेक्टर सनराइज सेक्टर्स की तरह आइडेंटिफाई किया है और उसको काफी प्रमोट किया जाएगा, राइट। नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए, इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि देर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो नॉर्मल जो लेजिस्लेशन होते हैं उससे फ्री होता है, ताकि उनसे एक्सपोर्ट को बूस्टअप कराया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करा जाए, एक्सपोर्ट को अच्छे से वहां से फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसको रिप्लेस किया जाएगा, और एक नए मॉडर्न लॉ से उसको रिप्लेस किया जाएगा कि जो ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली हो और इजी एक्सेसिबिलिटी हो लॉजिस्टिक सिस्टम को, और ग्रूम किया ग्रो कराया जा सकेगा, राइट। नाउ डिफेंस सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता की बात की गई है, सेल्फ रिलायंस ऑन द डिफेंस सेक्टर। इसके लिए जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं उसको कम करना है, 60% ऑफ द डिफेंस इंपोर्ट इसके लिए जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दिया जाएगा। इसके लिए PLI स्कीम्स को भी लॉन्च किया जाएगा कि जो इस सेक्टर को और ज्यादा अच्छे से ग्रो कराया जा सके। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ इंडस्ट्री ओपन टू लेट्स से प्राइवेट सेक्टर्स लाइक एकेडमिक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, DRDO के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, और जो भी दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा उसको एक्चुअली रोल आउट करेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, AVGC सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिफेंस सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी और अच्छे से काम किए जाएंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज UPSC का हमेशा एक फेवरेट टॉपिक और हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए अच्छे से देखेंगे। और इस साल के बजट में क्या क्या प्रोविजन है तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला सोलर पावर में एक टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी करनी है, 280 गीगावाट।
रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करना है, राइट। और इसके लिए द पीएलआई स्कीम्स को भी प्रमोट किया जाएगा कि जो भी फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स होते हैं उसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। नाउ सेकंड इज द सर्कुलर इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से भी आप तैयार करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है कि रेयर अर्थ इंडस्ट्री को बूस्ट करना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो होगी, और एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि कोई भी वेस्ट को वेस्ट नहीं ट्रीट करना है, रादर इट इज व्हाट इट इज ए रिसोर्स, और वो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स हमेशा ग्रो के डायरेक्शन को एक्सेलरेट करेगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी रेयर अर्थ इंडस्ट्री दैट इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, चाइना दैट सबसे ज्यादा मोनोपोली रखता है रेयर अर्थ के डायरेक्शन में, क्योंकि वहां की जो स्क्रैप पॉलिसी है इसके थ्रू जितने भी वेस्ट होते हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वहां से रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उससे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या फिर जो भी मॉडर्न एंड्रॉइड डिवाइसेस उसको बूस्ट करने में काफी मदद मिलती है। इंडिया में भी इस इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इस साल भी मेंस में पूछा गया था, गिग इकोनॉमी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पॉसिबली सर्कुलर इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी का ह्यूज पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस रिफॉर्म्स की जरूरत होगी और यूथ एम्प्लॉयबिलिटी सारी चीजें भी बढ़ेंगी इससे। तो दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, इसमें क्या काम करना होगा कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर 5-7% ऑफ द बायोमास पैलेट, ये बायोमास पैलेट क्या होते हैं, जो भी अभी दिल्ली इज फेसिंग द लॉट ऑफ डी पॉल्यूशन, जो भी दैट इज कॉल्ड स्मोक, ठीक है, जो भी पराली जलाई जाती है उसके चलते क्या होता है काफी सारे धुआं वगैरह जनरेट होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पर कोल जो बर्न किया जाएगा, तो साथ ही साथ वो पैलेट्स को जो भी पराली होती है, जो भी स्ट्रॉ होता है, उसको क्या किया जाएगा, बायोमास पैलेट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब लकड़ी के कोयले टाइप, और उसको फिर थर्मल पावर प्लांट में बर्न किया जाएगा। तो इससे दैट पावर सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशंस होगा, साथ ही साथ एक तरह से दैट रिसोर्स इनकम के भी साधन होंगे, पराली को जलाना नहीं पड़ेगा, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, 5-7% ऑफ द बायोमास पैलेट को बर्न करना है, इससे 34 MMT का कार्बन डाइऑक्साइड को इलिमिनेट करा जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। व्हाट इज दिस सिस्को मॉडल, कि एफिशिएंसी सेविंग कंपनीज है, तो जो भी लार्ज बिल्डिंग्स हैं दैट उसमें एफिशिएंसी मॉड्यूल्स को दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेट करना है। जो भी लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वहां पर फोटोवोल्टाइक सेल्स लगाना, सोलर सेल्स लगाना, जिससे क्या होगा कि एनर्जी सेविंग को पहले तो जनरेट किया जा सकेगा, साथ ही साथ बिहेवियरल चेंज करके वहां पर एनर्जी सेविंग्स को प्रमोट कराना है। तो इसको मॉडल किसके लिए, लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, एनर्जी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। नाउ एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट इज दिस एग्रो फॉरेस्ट्री, बजट में ये प्रोविजंस है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, या फिर जो भी लोकल ट्राइब्स जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री या प्राइवेट फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक बी कीपिंग, ठीक है, लेट्स से बंबू फार्मिंग, ठीक है, इस तरह की जो तमाम चीजें की जाती है जो एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट है। तो इन सब चीजों को क्रम करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। कोल गैसिफिकेशन, इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को रोल आउट किया जाएगा जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सब चीजों को करेगी। तो क्लाइमेटिक चेंज में सोलर पावर्स, सर्कुलर इकोनॉमी, इसको आप एडिशनली भी पढ़ें, हम लोग इस पे वीडियो भी बनाएंगे, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी पे फोकस रखना है, देन इसको मॉडल फॉर लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग फोर्थ पिलर की बात करते हैं जिसमें कि द फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई कि पैसा कहां से आएगा, ठीक है, या किस तरह से पैसे और जो क्रेडिट है उसको जनरेट किया जाएगा। इस पे ऑलरेडी हम लोग पहले भी काफी बात कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लोग शेयर करते हैं कि बजट में क्या एडिशनल ऐड किया गया है। द फर्स्ट पॉइंट इज द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे काफी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 7.5 लाख करोड़ का द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ को सेटअप करता है। कैसे, लेट्स से 100 रुपीज का कोई गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करके कोई लेट्स से हाईवे बनाती है या एक्सप्रेसवे बना देती है, तो एक्सप्रेसवे भी क्या होंगे, फिर साइड में होटल्स वगैरह डेवलप होंगे। सो लेट्स से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ओके लाइक बिरला टाटा कोई जाके होटल्स बनाएगा, ठीक है, रिसोर्ट्स बनाएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। तो वही प्राइवेट प्लेयर्स लेट्स से 200 का भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है,
साथ ही साथ लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट कराया जा सकता है और साथ ही साथ सारी चीजें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कराया जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और वर्चुअस साइकिल ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू बेसिकली क्या करती है, क्राउड इन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, क्राउड इन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। क्राउड इन और क्राउड आउट क्या होता है, तो लेट्स से मार्केट में पैसे नहीं है तो इन्वेस्टर्स पैसे कहां इन्वेस्ट करेगा, उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि मार्केट को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं जहां पर ज्यादा बेटर और जहां पर अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलता, इसी को बोलते हैं क्राउड आउट। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी कंड्यूसिव है, अट्रैक्टिव है, इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिलेगा, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे कि यहां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उनको मिले। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स जब आएंगे तो उसको बोलते हैं क्राउड इन। ठीक है, सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द क्राउड इन, इसी को बोलते हैं वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ। तो 7.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इससे शेयर मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, साथ ही साथ एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम्स को डेवलप कराया जा सकेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7.5 लाख करोड़। ठीक है, बट ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में बात कर चुके हैं, सो एक वन डायमेंशनल सिर्फ आपको एनालिसिस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट पिक्चर आपके क्लियर होने चाहिए, जिसपे हम लोग काफी अच्छे से बात कर चुके हैं। राइट, अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट एफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रही है। मैंने क्या बताया था कि 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस मोर देन 3 लाख करोड़ का कुछ दैट इज कॉल्ड ग्रांट्स में स्टेट्स को देगी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप करे। ठीक है, प्लस 1 लाख करोड़ का क्या था कि जो 50 इयर्स तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करना है, जो कि द पीएम गति शक्ति रिलेटेड प्रोजेक्ट में खर्च करना है, दैट सेकंड किस पे खर्च करना है, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डिजिटल टेक्नोलॉजी में खर्च करना है, तो जो अमृतकाल के पिलर्स हैं उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में खर्च करना है, उस पे 1 लाख करोड़ का उनको दैट इज कॉल्ड ग्रांट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, 50 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। गवर्नमेंट सेइंग किस तरह से हम लोग 10.86 लाख करोड़ का दिस इज कॉल्ड effective capital expenditure करेंगे, and that is around the 4.1% of GDP. ठीक है, GDP का साइज क्या है, 258 लाख करोड़, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट इस फिगर को 4.1% of the GDP दिखा रही है कि इतना का हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, and this is something called effective capital expenditure. ठीक है, नाम खाली चेंज किया हुआ है, so concept I think all of you are now getting की pictures क्या है। Now green bonds क्या है, कि जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, द क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन करने के लिए, उनको करने के लिए फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग कैसे करेगी, उसके लिए सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी मार्केट में और उससे पैसा उठा लेगी। ठीक है, तो पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड इशू किया जाता है, तो दीज ग्रीन बॉन्ड्स सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू रेज द फंड टू सपोर्ट द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये ग्रीन बॉन्ड्स है। नाउ गिफ्ट सिटी बेसिकली फाइनेंशियल इकोनॉमिक जोन है। गिफ्ट सिटी कहाँ है, दैट इज इन गुजरात। तो इस गिफ्ट सिटी में क्या होंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, आर्बिट्रेशन सेंटर्स होगा, कि जिसमें एक फाइनेंशियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह इसको डेवलप कराया जा सकेगा, जिससे एक्सपोर्ट को प्रमोट कराया जा सकेगा और तमाम सारी अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी। तो गिफ्ट सिटी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन रखना है, साथ ही साथ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी वहां पर बनेगा, गुजरात में बनेगा। राइट, नाउ वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी। वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होते हैं, कि जो भी हेज फंड्स होते हैं, ठीक है, कोई द फाइनेंशियल दैट इज कॉल्ड एफआईआई जो इन्वेस्ट करता है, सो वेंचर कैपिटल इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो गवर्नमेंट और प्रमोट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा और वेंचर कैपिटल आए, प्राइवेट प्लेयर्स और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन जो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स हो ज्यादा इन्वेस्ट करें, इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्लीन मोबिलिटी, ठीक है, और अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और द चार्जिंग स्टेशंस को बूस्टअप करने के लिए, वहां पर क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराने के लिए, इन दोनों दैट इज कॉल्ड चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी सिस्टम्स को हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है। यह हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेट ऑफ या एक लिस्ट है जिसको कि इजी क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए और एक स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है कि वो इजीली दैट क्रेडिट मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फंड रीच कर सकते हैं। तो हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इसमें से याद रखने के ट्रिक्स है, यानी सेट वर्ल्ड कप, ठीक है, इसमें से सोशल एंड कमर्शियल सेक्टर है,
देन दिस एनर्जी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सैनिटेशन ठीक है देन द क्लीन एनर्जी सो दीज आर द सेक्टर्स अंडर द हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बैटरी स्वैपिंग सिस्टम या फिर चार्जिंग स्टेशन को हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाया जाएगा इसका स्टेटस दिया गया है तो इससे क्या होगा इसको इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट इसको आसानी से मिल जाएगा फंड रेज किया जा सकता है और इस पे काम करा जा सकता है ठीक है अब एक ब्लेंडेड फंड का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट के पास नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और सिडबी का एक लेट से द पैरेंट फंड है और किसी और बैंकिंग सिस्टम के साथ लेट से कोई बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर लेट से पंजाब नेशनल बैंक है इनके साथ मिलके कुछ डाउटर फंड्स बनाएंगे डाउटर फंड्स ठीक है एक तो पैरेंट फंड हो गया जो इनके पास है और कुछ बैंकिंग सिस्टम के साथ किसी सब्सिडियरी के साथ मिलके एक डाउटर फंड्स बनाएगी और ये डाउटर फंड जितने भी सनराइज सेक्टर्स थे बताया था अभी दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीएसटी ठीक है वो ट्रिक्स क्या बताया था उसको आप याद रख लेंगे वो हेल्प करेगा आपको राइट सो सनराइज सेक्टर्स में हर एक सनराइज सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए इसको एक थीमेटिक फंड का कॉन्सेप्ट देना है ठीक है द थीमेटिक फंड ये थीमेटिक फंड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक फंड होगा That is called geospatial system and drones के लिए एक fund होगा तो इस तरह से इसको thematic fund का नाम देना है और हर एक sector पे वो fund काम करेगी तो इस तरह से parent fund और daughter fund मिलके कुछ अच्छे से खेला किए जाएंगे कि business अच्छे से काम किया जा सकेगा इसको promote करने के लिए blended fund का concept लाया गया है और blended fund को और अच्छे से promote किया जाएगा ठीक है Now the financial viability of the projects इतने सारे जो काम किए जा रहे हैं that उनको maintenance उनका durability बहुत important है तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट इनवाइट करेगी कि प्राइवेट प्लेयर्स वुड इन्वेस्ट इन द वायबिलिटी प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें इनोवेशंस में इन्वेस्ट करें तथा मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर करें ठीक है दिस इज द ट्रिपल पी मोड में इस पे काम किया जाएगा नाउ डिजिटल करेंसी इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अप्रैल 2023 में दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल को उसके जो कॉम्पिटेंसी है उसके जो फीचर्स है उसको प्रमोट किया जाएगा और उसके जो पोटेंशियल एरिया उसको टैप किया जाएगा राइट इसमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं लोग नाउ एक द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये स्कीम है इसमें भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि जो 22-23 के लिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को 1,00,000 करोड़ का ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि इसमें जितने भी पीएम गति शक्ति रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं डिजिटल इकोनॉमी है लेट से जो स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स है क्लीन मोबिलिटी सिस्टम है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इन सब चीजों में 1,00,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेगी और 50 सालों तक ये पैसा दिया जाएगा इस पर कोई लोन कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इसकी बात हम लोग कर चुके थे तो 1,00,000 करोड़ का ऐसा असिस्टेंस दिया जाएगा साथ ही साथ 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो एसेट क्रिएशन के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका लॉन्ग टर्म जेस्टेशन होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है जिसके लिए फिस्कल डेफिसिट होगा तो स्टेट्स के लिए कितना परमिसिबल फिस्कल डेफिसिट है कि 4% ऑफ जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका 4% तक वो लोग अपना फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करेगा रखेगा साथ ही साथ 0.5% ऑफ द जीएसडीपी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में उनको खर्चा करना है उनको इन्वेस्ट करना है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 0.5% ऑफ द जीएसडीपी और 4% ऑफ जीएसडीपी देयर द परमिसिबल फिस्कल डेफिसिट का लिमिट होगा ठीक है सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोर्थ पिलर में हम लोग देखे इस पे काफी सारी चीजें हम लोग पहले भी बात कर चुके थे अब बजट में जो दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंसिंग में टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन से उसको थोड़ा शेयर कर लेते हैं देन वी विल रैप अप आवर द डिस्कशन सो बजट स्पीच में एक पार्ट बी है जिसमें कि टैक्सेशन और क्रेडिट्स की बात की गई इस पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द फाइनेंसिंग और प्रीवियस पार्ट में लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं और जो हमारे लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा उसी को दिमाग में रखना है राइट जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन में एक अपडेटेड रिटर्न की बात की गई है कि मान लीजिए जब रिटर्न फाइल करना पड़ता है तो उस समय कोई इनकम अनडिस्क्लोज रह गया या फिर कोई जानबूझ के अपनी इनकम को छुपा के रखा तो इस तरह की गलती को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि अमृत काल में मॉडल ऑफ गवर्नेंस कैसा प्रमोट करना है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम तो उस डायरेक्शन में इस अपडेटेड रिटर्न को बोला गया है कि मान लीजिए ऐसी कोई गलती हो गई या ऐसा कुछ छूट गया वॉलंटरिली या इनवॉलंटरिली तो 2 साल के अंदर
दैट इज उसको अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके लिए कोई दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या इस तरह का डिले ऐसा कुछ चीजें नहीं उनके साथ होगी। ठीक है, तो पहले कोई छूट जाता था उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिले काफी होता था, काफी प्रॉब्लम झेलने पड़ते थे, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। तो गवर्नेंस के डायरेक्शन में भी एक स्टेप अहेड है और एक ट्रस्ट जनरेट के डायरेक्शन में भी एक स्टेप अहेड है, ऐसा सरकार बोलती है। राइट, तो अपडेटेड रिटर्न क्या है? सिंपली दैट इज कोई वॉलंटरली या इनवॉलंटरली टैक्स फाइलिंग के टाइम में छूट गया इनकम, उसको आप अपडेटेड रिटर्न में फाइल फिर से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी डिटेल से बात हो गई है कि स्लैब्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और इस पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है, सरचार्ज लगेगा, यस ठीक है, इस पे लगेगा, और सरचार्ज स्टेट के साथ शेयर किया जाता है, नहीं शेयर किया जाता है, और ठीक है इस पे बात कर चुके हम लोग। नाउ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है वो चार्ट याद ही होगा, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स किसमें आता था? प्रिजम्पटिव टैक्स का पार्ट था, और ये किस पे लगता था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्टअप करने के लिए अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को थोड़ा रैशनलाइज किया गया है, उसको कम किया गया है। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज के बीच में पहले 18.5% उनको अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स देना पड़ता था और कंपनी को 15% टैक्स पे करना पड़ता था, तो अब उसे घटा के कितना किया जाएगा? 15%। दूसरा, सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी के 12% लगता था, उसको घटा के 7% किया जाएगा। ठीक है, ये सारे फिगर्स हैं, बहुत याद नहीं रखना है, बट पॉइंट इज कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बूस्टअप करने के लिए, कि थोड़े बहुत पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है कि इस तरह के काम किए गए हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा पॉइंट या ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं रखनी है। एक है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये क्या है कि मतलब कोई पर्सन, किसी पर्सन विद डिसेबल है या फिर स्पेशल पर्सन, स्पेशल डिसेबल पर्सन को अडॉप्ट करता है तो वहां पर उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, वो कोई इंश्योरेंस स्कीम खरीद सकते हैं और वो टैक्स डिडक्शंस हो जाएगा, उस पर टैक्सेबल इनकम उस पर कम होगा। सो ऐसा कुछ है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के केस में। नेशनल पेंशन सिस्टम, मैंने क्या बताया था कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ओएसएस रिपोर्ट 2004 में एनपीएस, दिस न्यू पेंशन सिस्टम को इंडिया में लागू किया गया था, और इसमें पैरिटी लाने की बात की गई इस साल के बजट में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच में एक पैरिटी होना है। क्या चीज है? कि जो सैलरी का सेंट्रल गवर्नमेंट 14% एनपीएस सिस्टम पे रखती थी, ठीक है, और वो जो इनकम उनके टैक्सेबल इनकम पे डिडक्ट हो जाता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये बेसिकली 10% ही था, तो एक डिस्पैरिटी थी। इसको इक्वलाइज करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट भी है वो भी कितना पे करेगी? That is 14%. ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जस्ट टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन को इक्वल करना है। तो दिस इज द एनपीएस के डायरेक्शन में, दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस एनपीएस सिस्टम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए दैट इसमें से जो भी स्टार्टअप 31 मार्च 2023 तक शुरू किया जाएगा उनको 3 consecutive years आउट ऑफ द फर्स्ट 10 years उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी तरह से जो 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक इनकॉर्पोरेट होंगे उनको भी टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बिटकॉइंस की इनकम या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है लाइक द क्रिप्टो करेंसी, उसके इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा, 1% का डिडक्शन लगेगा, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ लिटिगेशन मैनेजमेंट, कि मान लो कोई दैट इज कॉल्ड बिजनेस डिस्प्यूट या ऐसा कोई लिटिगेशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में है तो उस तरह के केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो पॉइंट ये है कि लिटिगेशन मैनेजमेंट के डायरेक्शन में भी कुछ काम किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इसको भी रैशनलाइज करने की बात की गई है, और टैक्स इवेशन, इस पे और काम किया जाएगा, लॉ को ज्यादा स्ट्रिंजेंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंस हो, टैक्स इवेशन नहीं हो, और इस तरह से ब्लैक मनी को दैट इज कंट्रोल करने की बात कही गई है। राइट, अब थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी हम लोग चार्ट देख चुके हैं कि क्या क्या चीज होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, एक्साइज, कस्टम, सेल्स, सर्विसेज, जीएसटी एंड ऑल, तो लिस्ट याद रखना है, फिगर से आप याद रख सकते हैं फाइल, लेकिन इसे ज्यादा डरना नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चीज बात की गई है कि जीएसटी, जीएसटी में सरकार बोल रही है कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का कंजुकेटिव दैट इज कॉल्ड रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज अच्छे हो रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, राइट, एंड दैट्स ऑल। लेकिन जीएसटी के रिस्पेक्ट में एक चीज याद रखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ कंस्ट्रेंट होते हैं, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसमें दैट स्टेट सेंटर के कंप्लीट मीटिंग होती है, फिर मेजोरिटी डिसीजन होते हैं, तो यहाँ पर हाथ तंग होता है फाइनेंस मिनिस्टर का,
बस खाली ऐसी बातें कर सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न आ रहा है ऐसे ब्ला ब्ला। ओके, तो पॉइंट इज कि जीएसटी रिटर्न ज्यादा आ रहा है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मॉडल लॉज लाया जाएगा और एक्सपोर्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा, लेकिन डिजिटलाइज किया जाएगा, आईटी बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम से बैक्ड होगा कि टेक्नोलॉजी इंपावर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करना है। कस्टम्स रिफॉर्म्स की बात की गई है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोरोना एंड कोविड पेंडेमिक दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए पीएलआई स्कीम्स लाया गया है। साथ ही साथ कस्टम्स ड्यूटी को बढ़ाया गया है अननेसेसरी जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, कि जिससे द फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो और डोमेस्टिक मार्केट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्टअप किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके, साथ ही साथ प्रोमोट किया जा सके। ठीक है, सो कस्टम्स ड्यूटी को भी रैशनलाइज किया गया है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में जो भी जो कुछ लिस्ट है लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड कैमरा लेंसेस है, मोबाइल चार्जर्स है, उसमें ड्यूटीज को कम किया गया है। ठीक है, ताकि इसको बढ़ाया जा सके और इसको ज्यादा रेशनलाइज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। जेम्स एंड ज्वेलरी, इस पे भी 5% मतलब इसको कम किया गया है, लेकिन जो इमिटेशन गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे अंडर वैल्यूड ज्वेलरीज होते हैं, उस पे रेज किया गया कस्टम्स ड्यूटी को, कि ताकि तब क्या कम उसको इंपोर्ट करना पड़े और हमारा जो इंपोर्ट बिल हो वो कम हो। राइट, केमिकल्स में मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड पे ड्यूटी को कम किया गया है और सोडियम साइनाइड पे इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मेथनॉल प्लस एसिटिक एसिड पे ड्यूटी को कम किया गया है और सोडियम साइनाइड इस पे इसको रेज किया गया कि सोडियम साइनाइड का सफिशिएंट स्टोरेज है, इसको ज्यादा परचेज करने की जरूरत नहीं है। राइट, एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए स्पेशली जो अम्ब्रेला है, इसका मतलब कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अम्ब्रेला को बूस्ट प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव है, कि बाहर से लेट से कोई छतरी खरीद लेता है लेट से अमेरिका से या फिर कोई कंट्री से, तो वो नहीं चलेगा, उस पर ज्यादा ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन जो कोई इंडियन मार्केट में जो भारत में जो छतरी बना के जो बेचा जाता है उसको प्रमोट करने के लिए इस पे भी रैशनलाइज किया गया है। ठीक है, सो ओवरऑल ये चीज पॉइंट है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना है इसके लिए काफी चीजें रैशनलाइज की गई है। सो लेट्स टेक ए कंक्लूजन ऑफ आवर दिस बजट सेशन। तो बजट को इस तरह से पढ़ना है, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, ओके, एंड वेरी सून वुड अपलोड दैट वन। सो इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप एग्जाम में बैठने के पहले तैयार कर लेंगे एंड दैट विल डी बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसको सिनॉप्सिस बना ले, लाइक दिस बजट आपके पास 2 पेज का हैंडी डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि आप उसको इजिली रिवाइज कर सकें। पूरे बुक को हमेशा लेके नहीं कैरी करना है, अदरवाइज यू कैनॉट कंप्लीट एट द आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ कभी भी इंटरप्रिटेशंस करेंगे लाइक फॉर बजट, ये गुड बैड क्या है और व्हाट शुड बी मोर देयर, क्या और अधिक होना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल एंगल से आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे जब तक कि आप एटलीस्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज वो आपका एक बायस्ड अप्रोच बनाएगा और फाइनली वो आपके लिए दैट बेनिफिशियल नहीं है। राइट, क्योंकि एग्जाम हॉल पे आपके पास टाइम कम होता है, 2 से 3 पॉइंट्स के आपको लिखने पड़ेंगे, हार्डली 2 से 3 मिनट होगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जो इस तरह के एंगल से पूछे जाएंगे, तो आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल हो, आप उसी को लिखेंगे। ठीक है, और आपका एक न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। गुड और बैड की बात करेंगे इस बजट में, तो बहुत सारे प्रोविजन है जो बैड है फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एंगल, गुड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एंगल से, लाइक फॉर लेट्स से फॉर दिस फार्मर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे वुड नॉट बी हैप्पी विद दिस बजट बिकॉज that year long ek agitation chala, they are demanding for that statutory provisions ho MSP ka, to is tarah ki koi baat nahi ki gayi hai. theek hai, to is pe government ko kuch firm statement dena chahiye. sath hi sath COVID-19 ke period mein, theek hai, kya hua ki that school system band hone ke chalte there is a huge academic losses to the students, to uske liye bhi hamare paas jo infrastructure hai स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा विगरसली प्रमोट करने की जरूरत है। अल्टीमेटली एजुकेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट। सो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि देयर इज अ गैप, इवन द टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ जो टीचर्स हो वो अडेप्ट हो, उस टेक्नोलॉजी के साथ इम्बाइब करें, उस टेक्नोलॉजी के साथ सही से मैनेज करें और उस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर पाए, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में गैप रह गया। सो इसके लिए एक वन हैंड में द कंटेंट प्रोवाइड करना इट नॉट ओनली द सॉल्यूशन, एट द सेम टाइम द इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर्टिकुलरली गुरुकुल बेस्ड सिस्टम वो फाइनली अल्टीमेटली सक्सेसफुल है।
डिजिटल एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, इसको भी प्रमोट करना है, साथ ही साथ एडैप्टेबिलिटी के लिए, स्किल बिल्डअप के लिए इस डायरेक्शन में भी काम करने की जरूरत है कि डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना है तो सिर्फ नाम से नहीं, रादर उसके लिए कुछ सिग्निफिकेंट और काम करने की जरूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्शन में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है। साथ ही साथ तो ये सारे कुछ एंगल्स हैं जिसमें कि और ज्यादा काम किया जा सकता था और काम करने की जरूरत है। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे कि दिस द बजट बेसिकली फोकस्ड ऑन द बिजनेस इकोसिस्टम को बूस्टअप करना, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, क्योंकि एक वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सेट करेगा। इट्स फाइन, ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में दैट इज कॉल्ड प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात की गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, दैट एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करने की बात की गई, स्टार्टअप को दैट इज कॉल्ड बूस्टअप करने की बात की गई है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वेंचर कैपिटल आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, तो इस तरह की तमाम अच्छी बातें की गई है इस बजट में। सो दोनों ही एस्पेक्ट है, बट आपका स्टैंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। दिस इज द वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज व्हाट मोर देन बजट इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। दिस ईयर बजट कुछ पॉलिटिकल एंगल्स है, बट मोर इन द लार्जर पार्ट ऑफ दिस बजट किसी पॉलिटिकल एंगल से अनबायस्ड है। तो ये अच्छा चीज है कि पॉपुलिज्म को प्रमोट नहीं करना है, कि बजट इज व्हाट ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये एक मनी बिल की तरह है। सो स्टैंड क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव द टर्मिनोलॉजी शुड बी द प्रोफेशनल्स, कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट शुड बी द एक्चुअल मॉडल ऑफ ग्रोथ, प्रैग्मेटिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल एंगल्स इसमें इंबाइंड हो। रदर इन केस ऑफ दैट इंडिया दैट पॉलिटिकल एंगल्स दिखते हैं वो इसको नलीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द क्रिटिक्स समटाइम्स से कि जो बजट इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ द इंडिया। तो इस पे भी हम लोग बैकग्राउंडर में बात कर चुके हैं कि द स्टेटमेंट गिवन बाय हैरोल्ड ए स्मिथ और एस रूबिंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मेंस के हेल्प ये एनालिसिस पार्ट आपका मेंस का पार्ट होता है, बट इसके पहले आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, डे बाय डे प्रीलिम्स से चैलेंजिंग। इसके लिए जो आप क्रक्स को निकाल लेंगे, जो पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, देन टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना कि आप उस लेवल को अचीव कर सके कि जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी के सिलेबस से इस बजट डॉक्यूमेंट को इंटीग्रेट कर लेंगे कि जो सिलेबस होगा वो आपका जो नोट्स होगा वो एनरिच्ड होगा, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे भी वीडियो बनाएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए रेलेवेंट हो उसको भी एग्जाम से पहले लाएंगे। सो गेट रेडी फॉर द एग्जाम, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया है। सो बी योरसेल्फ कूल काल्म एंड एट द टाइम दैट बी इन ट्यून विद अस, हम लोग और इंपॉर्टेंट वीडियोज भी अपलोड करेंगे ग्रेजुअली, राइट। सो विद दिस दैट आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, विश यू वेरी बेस्ट दैट जब भी बजट डॉक्यूमेंट या ऐसे कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़े तो उसका एक कंसाइज नोट तुरंत बना के उसको गो करना है, ठीक है, आपको रख के नहीं पार होना है। तो और एटीट्यूड हमेशा एक दैट पैशन होना चाहिए दैट यू डू समथिंग, ठीक है। जब पुष्पा भाई जैसा अप्रोच लेके चलना है कि भाई पढ़ने का है, झुकने का नहीं, रुकने का नहीं, ठीक है, एग्जाम फोड़ने का है। सो ना, सो विद दिस लाइन आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो विश यू वेरी बेस्ट, द गुड लक, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।